फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन अब जल्दी शुरू होने वाला है। आईपीएल शुरू होने में काफी कम दिन और काफी कम समय बचा है, इसी वजह से लगातार आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। और अब आईपीएल को लेकर एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस को लेकर, आईपीएल के वार्म अप मैचेस को लेकर अब बीसीसीआई की तरफ से कन्फर्मेशन मिल चुकी है। इसके साथ ही अब बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के वार्म अप मैचेस का शेड्यूल भी रिवील किया कर दिया जा चुका है, शेड्यूल भी रिलीज कर दिया जा चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई की तरफ से वार्म अप मैचेस को लेकर किस तरीके का शेड्यूल रिलीज किया गया है। इसके साथ ही कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी टीमों के बीच हमें किस टाइमिंग पर वार्म अप मैचेस देखने को मिलेंगे, किस टाइम पर इन टीमों के बीच वार्म अप मैचेस होंगे, मैं आपको इस टॉपिक की रिगार्डिंग इस वीडियो में ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन के लिए सभी टीमों के कोचेस ने बीसीसीआई से मांग करी थी कि आईपीएल से पहले सभी टीमों के बीच एटलीस्ट एक या फिर दो वार्म अप, दो प्रैक्टिस मैचेस होने चाहिए, क्योंकि सभी टीमों के इंडियन प्लेयर्स ऑलमोस्ट पिछले 6 महीनों से क्रिकेट से दूर है, और 6 महीने बाद आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने खेलना काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से सभी टीमों ने बीसीसीआई से मांग करी थी कि सभी टीमों के बीच एटलीस्ट एक एक या फिर दो दो प्रैक्टिस मैचेस कराए जाए, और अब बीसीसीआई की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दरअसल 11 सितंबर से लेकर अब 15 सितंबर के बीच सभी टीमों के बीच हमें प्रैक्टिस मैचेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी टीम के बीच किस तारीख को प्रैक्टिस मैच होगा, इसके साथ किस तरीके से ये टीवी पे टेलीकास्ट होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मैचेस के शेड्यूल को लेकर। दरअसल जो 11 तारीख को सबसे पहला प्रैक्टिस मैच होगा वो सीएसके और आरसीबी के बीच दुबई में होगा, जबकि उसी दिन जो दूसरा प्रैक्टिस मैच होगा वो पंजाब और हैदराबाद के बीच दुबई में ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 12 तारीख की यानी अगले दिन की, तो 12 तारीख को जो पहला प्रैक्टिस मैच या फिर जो पहला वार्म अप मैच होगा वो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला जाएगा, जबकि जो दूसरा वार्म अप मैच होगा वो एमआई और केकेआर के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तीसरे दिन की यानी बात करें हम 13 तारीख की, तो 13 सितंबर को जो पहला वार्म अप मैच खेला जाएगा वो सीएसके और हैदराबाद के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरा वार्म अप मैच उस दिन खेला जाएगा वो पंजाब और आरसीबी के बीच दुबई में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आखिरी के दो मैचेस की, तो जो आखिरी के दो वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे वो 15 सितंबर को जो पहला मैच खेला जाएगा वो राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा, जबकि जो दूसरा मैच होगा वो एमआई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबू धाबी में ही खेला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वार्म अप मैचेस का शेड्यूल रहेगा, और सभी टीमों को दो दो वार्म अप मैचेस खेलने को मिलेंगे। हालांकि यहां पर सभी क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है, शायद से ये मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट ना हो पाए, क्योंकि अभी स्टार स्पोर्ट्स की टीम दुबई पहुंचेगी और जब ये मैचेस चल रहे होंगे तो वो सारी टीम क्वारंटाइन होगी, इसी वजह से शायद वार्म अप मैचेस टीवी पर टेलीकास्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सभी वार्म अप मैचेस टीवी पर टेलीकास्ट होने चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।